जैसे ही ईरान के रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप देने की खबर आई, वैसे ही रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के एक शहर में जबरदस्त तबाही मचाई है। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मच गया है। इससे यूक्रेनी राष्ट्रपति के मंसूबों को भी बड़ा झटका लगा है। जब से यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला कर रूस को छेड़ा है, तब से पुतिन ने यूक्रेन को अपना पुराना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन आए दिन रूस के भीषण हवाई हमलों से दहल रहा है। रूसी हमलों की आई बाढ़ से यूक्रेन में तबाही का मंजर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में रूस ने यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर मिसाइलों की बौछार की। इसमें 50 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दावा है कि हमले में कई सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक मध्य यूक्रेन में एक सैन्य शैक्षणिक संस्थान पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की इस स्ट्राइक में 200 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा दावा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से हालिया हमला सबसे बड़े हमले में से एक है। बता दें कि रूस की मिसाइल मार यूक्रेन के पोल्टावा शहर में हुई है, जो कि राजधानी कीव से करीब 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ये शहर कीव और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े खार्किव के बीच है, जो रूसी सीमा के करीब है। रूसी हमलों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जेलेंस्की ने कसम खाते हुए कहा कि रूस हमले के लिए निश्चित रूप से भुगतान करेगा। पोल्टावा ने एक भयानक दिन का अनुभव किया, जहां इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। दो बैलिस्टिक मिसाइलों ने पोल्टावा शहर और पास के एक अस्पताल पर हमला किया। осінь буде надзвичайно важливою для України, і наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні, всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої, внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях. पोल्टावा के गवर्नर ने रूसी हमले को पूरे यूक्रेन के लिए एक बड़ी त्रासदी करार दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन को निश्चित रूप से मानवता के खिलाफ सभी अपराधों का जवाब देना होगा। रेस्क्यू टीम ने करीब 25 लोगों को बचाया, जिनमें से 11 को मलबे के नीचे से निकाला गया। अभी भी मलबों के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कम से कम 10 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमले में मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस की एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही गवर्नर ने शहर में 3 दिन के शोक की भी घोषणा की है। इस पूरे घटनाक्रम पर यूक्रेन की फायर ब्रांड सांसद ने यूक्रेनी सैन्य नेतृत्व को ही निशाने पर लिया। मारिया बेगजुला ने यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए उच्च पदस्थ अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये त्रासदियां खुद को दोहराती रहती हैं। ये कब तक रुकेगा? वहीं रूसी हमलों से त्रस्त जेलेंस्की की खींच एक बार फिर देखी गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ज्यादा से ज्यादा पश्चिम से हवाई सुरक्षा की अपनी मांग को दोहराया है। साथ ही सहयोगी देशों से अपनी लंबी दूरी के हथियारों को रूस के भीतर तक हमला करने की अनुमति देने की भी अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि लंबी दूरी के हमले जो हमें रूसी आतंक से बचा सकते हैं, उनकी अभी जरूरत है, कुछ समय बाद नहीं। दुर्भाग्य से हर दिन की देरी का मतलब है जीवन की हानि। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। पिछले हफ्ते यूक्रेन में सबसे भारी बमबारी की थी और अब बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव को निशाना बनाया है।